सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल बातें इंडियन मॉम की। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। सो कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर किया था, इवन एक नहीं दो टीचिंग के वीडियो शेयर किए थे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कनाडा में ऑन्टेरियो में टीचर किस तरह बन सकते हैं, क्या क्वालिफिकेशन होती है, हमें टीचिंग की जॉब किस तरह मिलती है। एंड उस वीडियो में मैंने आप लोगों को एक प्रॉमिस और किया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ओसीटी टीचर्स कैसे बनते हैं कनाडा में, क्योंकि मैं खुद उस टाइम पे अपनी जो ओसीटी ऑन्टेरियो कॉलेज ऑफ टीचर्स की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में थी। मैंने एप्लीकेशन अप्लाई करा था लेकिन आज वो मेरा अप्रूव हो गया है, तो मेरे पास काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। लास्ट के दो वीडियोस जो हमारे टीचिंग से रिलेटेड थे, आप लोगों ने बहुत सारा प्यार उस पर दिया है मुझे। इवन मैंने अभी कुछ पॉडकास्ट भी किए हैं अपने टीचिंग से रिलेटेड, एंड आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे साथ, इवन मेरे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मेरे वीडियोस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे साथ टीचिंग के पूछ रहे हो, एंड विच आई एम सो हैप्पी दैट आप लोग इतना सारा कुछ पूछ रहे हो। आई होप आप लोगों को आज उन सब क्वेश्चंस के आंसर जो है इस वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। अगर नहीं मिलेंगे देन प्लीज मुझे डीएम कीजिए इंस्टाग्राम पे, एंड हमारी कुछ कंसल्टेशंस भी रहती हैं जिसमें हम आप लोगों को बताते हैं कि हम टीचिंग लाइसेंस कैसे कर सकते हैं कनाडा में, एज वेल एज ग्रांट कैसे मिल सकते हैं हम लोगों को अगर हम लोग पीआर पे हैं यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का वीडियो जो है ना वो फुली डेडिकेटेड होने वाला है ओसीटी के ऊपर, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ बात करा था कि टीचिंग अगर हमें कनाडा में करनी है सो वी नीड टू टेक ईदर ऑफ टू courses or licenses. One license is ECE, that is Early Childhood Educator, and other is OCT, that is Ontario College of Teachers. अगर हम बात करते हैं ECE की, so ECE can teach like in the daycares, in the Montessori schools, in the private schools, in the public schools, in early on, so they have a good broad scope. And nowadays ECE जो है वो काफी ज्यादा bloom हो रहा है, तो बहुत ज्यादा अच्छा इसका आने वाले टाइम में स्कोप होने वाला है। अगर हम बात करते हैं कि ग्रेड्स क्या है ईसीई के, कौन से ग्रेड्स को पढ़ा सकते हैं, तो ग्रेड्स आप ईसीई के 18 मंथ से लेके 6 इयर्स ग्रेड 6 तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। अगर आप पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं और वहां पे ये ग्रेड्स हैं, या मॉन्टेसोरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं अगर वहां पे ये ग्रेड्स हैं, तो यू कैन टीच टिल ग्रेड 6। अलॉन्ग विद दैट अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो इसी की सैलरी वेरी करती है फ्रॉम $20 से लेके $30 के बीच में। ये प्राइवेट स्कूल्स और पब्लिक स्कूल्स की मैं मिक्स करके बता रही हूँ कि यहां से यहां तक ये रेंज करती है। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि आज का हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है ओसीटी का, तो मैं आपको उसको शुरू करने से पहले बताना चाहती हूँ कि आई एम अ रजिस्टर्ड अर्लीहुड चाइल्डहुड एजुकेटर हियर इन कैनेडा। आई गॉट माई लाइसेंस लाइक 3 months बैक एंड नाउ आई एम वर्किंग एज अ फुल टाइम इन अ स्कूल एज RECE. So RECE's registration number, when you get your registration number after doing ECE licensing, then you are considered as, or you are called as, registered early childhood educator. So now second thing, this is the thing which I have done and now I'm in the process of my OCT application. So main aap logo ke sath OCT ke bare mein discuss karna chahti hu. OCT is Ontario College of Teachers. हर एक प्रोविंस जितनी भी है ना कनाडा में, सबका अपना एक टीचिंग लाइसेंसेस होते हैं। ऑन्टेरियो के लिए स्पेसिफिकली है ओसीटी। सो ओसीटी टीचर्स जो है आपके किंडरगार्टन से लेके ग्रेड 12 तक के स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। ओसीटी टीचर्स को ये पावर मिलती है कि दे कैन चूज देयर ग्रेड्स। जब वो अपना कोर्स लेते हैं तो वो अपने ग्रेड्स जो है अपने हिसाब से चूज करते हैं। कनाडा में जो स्कूल सिस्टम है वो 3 ग्रेड्स के ऊपर, 3 सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है। वन इज द प्राइमरी, सेकंड इज जूनियर इंटरमीडिएट, एंड थर्ड इज सीनियर इंटरमीडिएट। सो सीनियर इंटरमीडिएट में आते हैं आपके 7-12, जूनियर इंटरमीडिएट में आते हैं 4-6 ग्रेड, एंड किंडरगार्टन टू ग्रेड 3 आपके आते हैं प्राइमरी के अंदर। सो ये आपके अंदर ECE के अंदर ये चीज हमें नहीं मिलती है। ओसीटी के अंदर यू कैन चूज योर ओन ग्रेड्स। सो दिस इज द बेसिक आइडिया ऑफ ओसीटी। अब ओसीटी टीचर बनने के लिए हमें एक लाइसेंस लेना पड़ता है जिसको हम ओसीटी लाइसेंस कहते हैं। ओसीटी टीचर्स होते हैं, दे कैन वर्क इन डे केयर्स, दो उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं होता है बट स्टिल दे कैन वर्क इन डे केयर्स।
मॉन्टेसॉरी स्कूल्स अगर आपके ग्रेड 6 तक है, ग्रेड 3 तक है, ग्रेड 4 तक है, तब आप वहां पे भी एज अ टीचर पढ़ा सकते हैं। पब्लिक स्कूल्स में आपका स्कोप ज्यादा हाई होता है, प्राइवेट स्कूल्स में आप पढ़ा सकते हैं एज अ ओसीटी टीचर। इवन जितने भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं आप यहाँ पे भी एज अ ओसीटी टीचर वर्क कर सकते हैं। ओसीटी टीचर के लिए जो सैलरी रहती है वो 35 से 40 के बीच में रहती है, इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस टू। अदरवाइज मैं ये कहूंगी कि प्राइवेट में हो सकता है थोड़ा सा आपको कम दे, लेकिन पब्लिक में दिस इज द सैलरी। ओसीटी टीचर के लिए, जैसे ईसीई टीचर के लिए आपको 2 इयर्स का कोर्स करना पड़ता है, ओसीटी टीचर्स के लिए आपको मिलता है 5 साल, 5 इयर्स का प्रोग्राम होता है ये। अब आप लोगों के, बहुत लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैं 5 साल तक टीचर ही नहीं बनूंगी अगर मैं ओसीटी की लिए अप्लाई कर रही हूँ। सो इट्स नॉट लाइक दैट। सो वंस यू आर इन द प्रोसेस, लाइक इट मीन्स आपके पास टोटल टाइम जब आप अपनी प्रोसेस शुरू करते हो ओसीटी की, उस दिन से लेके आपके खत्म होने तक आपको 5 साल मिलते हैं। अब मैं ये 5 साल किस तरह डिवाइड किए जाते हैं, कैसे रहता है इन 5 साल के अंदर काम, वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले ओसीटी टीचर बनने के लिए हम लोगों को एक क्वेश्चन, मेरे से बार बार इंस्टाग्राम पे पूछा जाता है, इज बीएड इज इम्पॉर्टेंट और कंपल्सरी इफ यू वॉन्ट टू बी अ टीचर इन कैनेडा? येस ऑफ कोर्स, फॉर ओसीटी ओनली, नॉट फॉर ईसीई। ECE के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट इफ यू वॉन्ट टू डू फॉर गो फॉर ओसीटी देन यू नीड बीएड एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट। क्योंकि ECE बहुत लोग 12th के बाद भी करते हैं, बट ओसीटी आप 12th के बाद नहीं कर सकते हो। सो यू नीड अ क्राइटेरिया, यू नीड टू बी लाइक बीएड, अदरवाइज यू कैन नॉट डू। सो जस्ट टू एड ऑन इट, अब हम कैसे ओसीटी करते हैं, हम कैसे अप्लाई करते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोगों का जो है ना, वो यही है कि हमें एक अपना प्रोफाइल बनाना है ओसीटी पे जाके, ocit.ca पे हमें लॉग इन करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है। जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, वहां पे आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट, आपको अपनी एक प्रोफाइल बनानी है जहां पे आप अपना सारा का सारा क्वालिफिकेशन डालते हो, लाइक योर मास्टर्स, योर एमफिल और योर पोस्ट डॉक्टरल, जो भी आपकी डिग्री रहती है, आपकी पीएचडी है या सो। जब भी हम बात करेंगे कि ओसीटी की हम प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। सो ओसीटी की प्रोफाइल बनाने के लिए आपको सबसे पहले लॉग इन करना है ocit.ca के ऊपर। जब आप ocit.ca पे लॉग इन करते हैं, वहां पे आप अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला काम है आप लोगों को अपनी प्रोफाइल सेट करने के लिए अपनी क्वालिफिकेशंस डालना, कि आप लोगों की क्या क्वालिफिकेशन, वेदर यू आर अ पीएचडी, यू आर एमफिल, यू आर एमएससी, मास्टर, एमए, क्या बीएड, क्या है आपके पास बीएससी, क्या डिग्री है आपकी, वो क्वालिफिकेशन आप डालेंगे। अलॉन्ग विद दैट एक अलग कॉलम आता है जहां पे वो आपकी टीचिंग एजुकेशनल डिग्री मांगते हैं, दैट इज बीएड, वो बीएड है आपकी। बीएड पे मैं एक और चीज ऐड करूंगी, आगे मैं भूल ना जाऊं उससे पहले ही बता देती हूँ कि बीएड पे भी आजकल ये चीज हो रहा है कि बैक होम इंडिया में जो लोग बीएड करते हैं, अर्लियर इट वॉज लाइक ऑफ 1 ईयर, नाउ इट्स गोइंग लाइक 2 इयर्स की हो चुकी है। सो उसका क्रेडिट आपको एक्स्ट्रा मिलता है अगर आपके आपके सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं, जो मैं आगे बात करूंगी, अगर आप 2 ईयर की बीएड करते हैं। सो हमने बात करी कि हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वो मांगते हैं, कि आपके क्या डिग्रीज हैं आपके पास, आपके बीएड मांगते हैं। अलोंग विद दैट इफ यू हैव एनी पास्ट टीचिंग एक्सपीरियंस, लाइक योर प्रोफेशनल स्टैंडिंग एक्सपीरियंस, सो यू कैन ऐड इन दैट। इसके अलावा आपका पुलिस क्लियरेंस चेक वो मांगते हैं कि आपका पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं, आप अपना फाइल इस तरह से बना सकते हैं। जैसे ही आप अपना फाइल बना देते हैं, प्रोफाइल आपका बन जाता है, आपको थोड़े थोड़े टाइम के बाद ocit.ca आपकी फीस लग जाती है। पहले तो आपको फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है, वंस यू आर डन विद योर प्रोफाइल, आपने प्रोफाइल बनाई जाती है, आपको फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है, विच इज अराउंड $140 आपकी फीस है। एंड अगर इवैल्यूएशन, क्योंकि आगे इसके बाद इवैल्यूएशन होती है आपकी डिग्रीज की, आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स की, सो यू नीड टू पे अलॉन्ग विद दैट $222, $222 आपको एज अ आपकी इवेल्युएशन फीस डालनी पड़ती है। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया है ओसीटी पे, सो नाउ यू कैन लॉग इन टू योर अकाउंट एंड यू कैन सी व्हाट ओसीटी इज आस्किंग फॉर।
सो वहां पे आपके प्रॉपरली अपडेट हो गया है कि फॉर एग्जाम्पल आपका ओके आपका मास्टर्स का डिग्री अभी तक उनके पास नहीं है या बीएससी का क्लियर नहीं है, तो वो अंडर प्रोसेस में या प्रोसेसिंग इस तरह से आपका आना शुरू हो जाएगा, अंडर प्रोसेस आना शुरू हो जाएगा या नॉट सबमिटेड इस तरह से आएगा. इसका मतलब ये है कि जब आप देख रहे हैं कि वहां पे नॉट सबमिटेड है, इसका मतलब है कि दे आर आस्किंग यू फॉर योर ट्रांसक्रिप्ट्स. सो आपको अपने ट्रांसक्रिप्ट्स वहां पे लगाने हैं जो आपने वेस्ट से करवाए हुए हैं. तो वहां पे आप अपनी एमएससी, अपना बीएड, अपना प्रोफेशनल स्टैंडिंग, ये सारी की सारी चीजों की आप जो है वहां पे ट्रांसक्रिप्ट्स को ऐड करेंगे. जब आप अपने ट्रांसक्रिप्ट्स को ऐड कर देते हैं और उस अपना प्रोफेशनल स्टैंडिंग, आप जो जो चीजें रिक्वायरमेंट थी वो आप जब डाल देते हैं, वहां पे आपका जो है इवैल्यूएशन प्रोसेस शुरू हो जाता है. ड्यूरिंग योर इवैल्यूएशन प्रोसेस अगर आप बार बार लॉग इन करते हैं अपने OCT पे, तो आपको दिखाई देगा कि आपको एक कोर्स भी बीच में करना होता है, विच इज सेक्सुअल अब्यूज का कोर्स होता है जो आपको करना होता है. सो वो आप कभी भी शुरू कर सकते हैं, आपको वो बस एक बारी कंप्लीट करना है. तो वो आपने शुरू में ही चाहे कर लीजिए, चाहे थोड़े टाइम बाद कीजिए, जब आपको लगता है आपकी इवैल्यूएशन डन हो गई है उसके बाद यू कैन स्टार्ट. सो एक चीज मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि OCT की प्रोसेस जो है ना वो बहुत फास्ट नहीं होता है. इट टेक्स टाइम क्योंकि इनके पास काफी हाई वॉल्यूम में चीजें रहती हैं, तो दे टेक टाइम टू इवैल्यूएट द थिंग्स. तो आराम से 1 to 2 years जो है ना आपकी इवैल्यूएशन में लग जाता है. आपकी फाइल चेक इवैल्यूएट हो गई, ओके ट्रांसक्रिप्ट्स डन. वंस दे इवैल्यूएटेड योर डॉक्यूमेंट्स, योर ट्रांसक्रिप्ट्स, यू आर गुड टू गो. दिल गिव यू अ ग्रीन सिग्नल, ओके नाउ यू आर गुड टू गो. सो दिल इश्यू यू अ रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका टेम्पररी टीचिंग लाइसेंस का नंबर होगा, लाइक ओंटेरियो टीचिंग लाइसेंस का आपका टेम्पररी नंबर होगा, नॉट अ परमानेंट वन. Once you will get it, you are good to work anywhere in Canada, like in Ontario as a teacher. Whether you can go for public schools, jaisi bhi need rehti hai, it depends on your experience too. Private school, to aap, now you're good to work. But अभी आपका OCT खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे भी आपको चीजें करनी है. अभी आपको सिर्फ एक टेम्पररी लाइसेंस इशू हो गया है, अब इसके बाद आपको मिलते हैं आपके ग्रेड. सबसे पहले आपको अब अपने ग्रेड्स चूज करने हैं कि आप कौन सा ग्रेड पढ़ाना चाहते हो. उस ग्रेड के हिसाब से और आपके क्रेडिट्स के हिसाब से आपको सब्जेक्ट्स मिलेंगे. फॉर एग्जाम्पल 3 सब्जेक्ट मिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल 4 सब्जेक्ट्स मिलेंगे. वो सब्जेक्ट्स आपको अपने वो जो 5 साल का पीरियड मैं कह रही थी ना, जिसमें 2 साल आप लोगों ने अपनी सिर्फ इवैल्यूएशन में, अगर इन केस आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, अगर 2 साल आपने अपने इवैल्यूएशन में लगाए हैं, सो रेस्ट ऑफ द 3 ईयर्स नाउ यू हैव. उन 3 साल के अंदर यू नीड टू कंप्लीट योर कोर्सेज. वंस यू आर डन विद योर कोर्सेज, यू आर फुली लाइसेंस्ड टीचर हियर इन कैनेडा, OCT टीचर. सो आप एक लाइसेंस्ड टीचर बन जाते हैं. सो दिस इज द बेसिक थिंग कि हम कैसे OCT के लिए अप्लाई करते हैं. तो आई होप आप लोगों को अभी तक यहां तक ये प्रोसेस पता लगे कि OCT टीचर्स होते क्या है. और हम उनका प्रोफाइल में स्क्रीनशॉट लगा दूंगी कि आपको क्या सर्च करना है इंटरनेट पे, गूगल पे, एंड कैसे आपको अपना लॉगिन करना है वहां पे, बनाना कैसे आपको अपना अकाउंट. सो इतनी चीजें जो है ना वो इंपॉर्टेंट है सबसे पहले अपना प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए. इसके बाद जो भी प्रोसेस है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी रहती है जो मुझे भी पर्सनली बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई है, विच आई सॉर्टेड आउट. क्योंकि हम लोग बैक होम से इतनी दूर बैठे हैं ना कि हम लोग वो सारी प्रॉब्लम्स इंडिया जाके तो ठीक नहीं करवा सकते. सो हमें यहां से वो काम कैसे करवाने हैं, दैट आई कैन टेल यू. सो दिस इज ऑल अबाउट OCT एंड ECE. एक चीज और इसमें एड ऑन करना चाहूंगी कि OCT के लिए यू आर नॉट सपोज टू गो टू एनी कॉलेज. कहीं कॉलेज से जाके नहीं करना है. इट्स जस्ट ऑनलाइन कोर्सेज दे विल गिव यू, जो कुछ कुछ ड्यूरेशन की होती है. फॉर एग्जाम्पल कोई कोर्स आपका 2 महीने का होगा, कोई 3 महीने का होगा, जिसमें आपका टेस्ट भी होगा, पेपर भी होगा, असाइनमेंट्स भी होंगे, एवरीथिंग. जबकि ECE के लिए यू नीड टू गो टू कॉलेज. यू नीड टू गो इधर, लाइक इट कुड बी एसिंक्रोनस. लाइक मैंने एसिंक्रोनस करा था जिसमें मेरे को कॉलेज नहीं जाना पड़ता था, बट मेरी ऑनलाइन क्लासेस रहती थी. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स. आई होप आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी. अगर आपको आया होगा समझ, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज अपना फीडबैक जरूर देना. लास्ट के वीडियोज में आपके फीडबैक बहुत पॉजिटिव थे. आप लोगों को मेरी लैंग्वेज, मेरा समझाने का तरीका समझ आया था, विच आई अप्रिशिएट. मुझे अच्छा लगा कि मेरी बात आप लोगों तक पहुंची. सो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होंगी, काइंडली DM मी ऑन Instagram और यू कैन कमेंट बिलो ऑन द लाइक माई YouTube चैनल.
सो दिस इज ऑल अबाउट. नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम कैसे ओसीटी की प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे मूव कर सकते हैं. सो आज के लिए इतना ही है. सो बाय बाय एवरीबॉडी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.